अलीगढ़ हो, जामिया हो, कोई भी इदारों पर कभी किसी ने निगाह उठाकर देखी है तो कोई आवाज़ उठे ना उठे, लेकिन डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्क साहब की आवाज़ हर जगह से उठती थी और हमें ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं कोई है जो हमारे लिए रहनुमाई कर रहा है, हमारी सरपरस्ती कर रहा है। देखिए, बर्क साहब एक खाली एक MP ही नहीं थे, बेहतरीन शख्सियत थे जिनके जो अपने आप में एक इल्म का खजाना थे। आगे अल्लाह ताला इनकी मगफरत करे अपने हबीब के सदके में। अब संभल की राजनीति किस ओर करवट ले? संभल की राजनीति इंशाल्लाह जियाउर रहमान को टिकट हो जाएगा, जीत जाएंगे इंशाल्लाह। संभल की राजनीति का हमने एक हीरा खो दिया, संभल वालों को एक हीरा था, एक चला गया हमारी आंखों के सामने से और हमें पता भी न चली। अब हम यही सोच रहे हैं कि कौन हमारी क़यादत करेगा। आपकी आवाज़ के काबिल नहीं है, उनकी जितनी भी यादें थी सब समाये बैठे हैं सिर्फ और दुखी हैं, पूरा संभल गया हिंदुस्तान दुखी है उनके गुजरने के बाद। और उनकी क्या खूबी बयान करेंगे, कयास से ज़्यादा बाहर बात है कि हम उनकी बयान ही नहीं कर सकते थे। इतने हमदर्द आदमी हैं और इतना सस्ता MP हिंदुस्तान के पर्दे पर नहीं मिलेगा। आम आदमी या गरीब आदमी या कोई भी उनसे हर वक्त मिलने के लिए तैयार था, मिलते थे वो, और ये उनकी ख़ास बात थी। और यूं ही हर दिल अजीज़ थे वो अपने इंडिया के, थोड़े वर्ल्ड फेमस आदमी थे। कहा जाता है जैसे जब कोई सांसद बनता है तो एक ही साल में उनके पास गाड़ी बंगला तमाम सारी चीज़ें हो जाती है। नहीं, को आज तक कोई किसी को दलाली नहीं करम दी, ना किसी से पैसा कमाया। पाक दामन आदमी थे, नमाज 5 टाइम के ताज्जुब गुजार थे। हाँ बस, और यही है उनकी खुशियत, अल्लाह के बहुत करीब थे वो, दुनिया के भी अपने गरीब आदमियों की भी हमदर्दी थी, शहर के सबसे ज़्यादा हमदर्द आदमी उनके पास आते थे जाते, अपनी फरियाद लेकर और सुनते थे और करते थे काम। अब क्या लग रहा है ऐसे संभल में राजनीति अब किस ओर करवट लेगी? शेर है वो, क्या है, मैं आ जाएगा तो मैं बता दूंगा, याद नहीं आ रही है शेर उनका, आखिरी शेर था वो, मुद्दा तो याद करोगे, याद करोगे मेरे गुजर जाने के बाद। और वही बस यही उनका शेर था आखिरी, आज वो उन पर ही फिट है और रोगा संभल लिया हिंदुस्तान का मुसलमान जो वो रोएगा आपके सुन। बस सदियों याद करेगा डॉक्टर, सदियों जी बस। और एक अलमी आप देख चुके हैं कि सुबह 10 बजे से क्या आलम है आवाम का और कैसी वो उनके लिए आओ फगा की जा रही है, बच्चे क्या, औरतें क्या, सभी उनके गम में रोना और धोना है और कोई अच्छी नहीं लगे, सब यहीं पर, ये ख़ास बात है उनकी। और क्या बयान करें उससे। संभल की राजनीति अब किस ओर करवट ले रही है, क्या लग रहा है आपको? संभल की राजनीति का हमने एक हीरा खो दिया, संभल वालों को एक हीरा था, एक चला गया हमारी आंखों के सामने से और हमें पता भी न चली। अब हम यही सोच रहे हैं कि कौन हमारी क़यादत करेगा। अल्लाह से यही दुआ है कि अच्छे से अच्छा कोई हमें शहर का आदमी आके एक आदत इसकी याद करे जो हम आगे चलते हैं। ऐसा लग रहा है राजनीति के हिसाब से हमारे यतीम से हो गया, बहुत अच्छे नेता थे, बहुत बढ़िया थे और कोई भेदभाव नहीं था, बहुत बढ़िया सबके लिए। ऐसे नहीं कि पूरे हिंदी में बहुत चर्चा थी, बहुत अच्छे थे, हिंद के नहीं वर्ल्ड के नेता थे। और यहाँ हिंदुस्तान में अफसोस नहीं, बाहर मुल्कों में भी अफसोस हुआ होगा जिन लोगों को पता चली होगी। बाकी अल्लाह ताला इनकी मगफरत करे अपने हबीब के सदके में। अब संभल की राजनीति किस ओर करवट ले? संभल की राजनीति इंशाल्लाह जियाउर रहमान को टिकट हो जाएगा, जीत जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा उसके भी नहीं चाहा। और भी ज़्यादा वोट तो अब ऐसा होगा, सब जगह अल्लाह की बेहतरी होती जो होती है, ये हुक्म रब्बी मौत तो एक दिन मुझे भी आनी है, पर इस टाइम पर डॉक्टर वक्त के विशाल करने का राजनीति में जियाउर रहमान को थोड़ा फैज पहुँचेगा। हाँ, वैसे दुख की घड़ी है, ये कहना नहीं चाहिए, पर ये मानना मुझे भी एक दिन, पर बेहतर ये है डॉक्टर साहब के उसमें क्या नाम है, अगर समाजवादी का टिकट जियाउर रहमान को होता तो बहुत अच्छे वोटों जीतेगा इंशाल्लाह। डॉक्टर बर्क की तबीयत ख़राब थी, उसके बावजूद भी अपने परिवार को घर को छोड़कर जियाउर रहमान बर्क लखनऊ पहुँचते हैं, राज्यसभा का चुनाव वोट देने के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं जैसी खबर लगती है, तो वहाँ से वो यहाँ आते हैं। हाँ, उन्होंने ट्यूब करा दुआ के नहीं इनके लिए। हाँ, बाकी अल्लाह बेहतर जानता जी। क्या कहेंगे आप, डॉक्टर बर्क का इंतकाल हुआ है, तमाम सब लोग गमजदा हैं यहाँ पर, तो किस तरीके से देखते हैं आप इसके बाद में, जिस तरीके से बेबाकी से आवाज़ उठाते थे, क्या लगता है जियाउर रहमान बर्क उसी बेबाकी से आवाज़ उठाएंगे? इस तरह का नेता कोई दूसरा और पैदा नहीं होने का संभल में। जियाउर रहमान अपनी जगह काम करेंगे लेकिन बर्क की जगह कोई नहीं ले पाएगा।
और आज बहुत दुख की घड़ी है और बहुत बड़ा दुख है सारी आवाम को, बहुत बड़ा दुख का दिन है संभल के लिए। जिस तरीके से डॉक्टर शफीकुर रहमान पर बेबाकी से सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ बुलंद करते थे, कोई भी मुद्दा हो बेबाकी से बोलते थे। फिलहाल ये संभल की आवाम है जिस तरीके से बता रही है कि कोई भी मुद्दा होता है डॉक्टर बर्क बेबाकी से बोलते थे। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन अब 2024 का चुनाव भी नज़दीक है। क्या संभल से कौन कैंडिडेट बनेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और संभल की आवाम किसे अपना रहनुमा चुनकर पार्लियामेंट में भेजेगा और वो संभल की आवाज़ उठाएगा। देखिए, बर्क साहब एक खाली एक एमपी ही नहीं थे, बेहतरीन शख्सियत थे जिनके जो अपने आप में एक इल्म का खजाना थे। जब भी उनसे बात किया करते थे, जब भी मिला करते थे, तो एक तो आजिज़ी हुआ करती थी। आजिज़ी होने के साथ साथ अगर उनसे बातचीत करने पे अगर किसी मौजू पे हम अगर डिस्कस किया करते थे तो ऐसा लगता था कि ये न जाने कितनी किताबों का इल्म है जो अपने आप में एक तरीके से बोल रहा है। उनके जाने से मैं समझता हूँ पूरी संभल नहीं, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं नुकसान है जिसका पूर्ति होना, जिसकी भरपाई होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अलीगढ़ हो, जामिया हो, कोई भी इदारों पर कभी किसी ने निगाह उठाकर देखी है तो कोई आवाज़ उठे ना उठे, लेकिन डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब की आवाज़ हर जगह से उठती थी और हमें ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं कोई है जो हमारे लिए रहनुमाई कर रहा है, हमारी सरपरस्ती कर रहा है। अगर कोई भी तहरीक रही हो उनका बहुत अच्छा रोल रहा करता था, फ्रंट से लीड किया करते थे और जब भी हम मिला करते थे तो हमें हमेशा हौसला दिया करते थे कि आप कहीं भी हों, कैसे भी हों, कभी भी कहीं ज़रूरत हो तो आप मुझे बताइएगा। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हमारे दरवाज़े, हमारे घर के दरवाज़े हर जगह आपके लिए, आप स्टूडेंट्स के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के लिए और दीगर इदारों के लिए हमेशा खुले हुए हैं। तो मैं समझता हूँ इनका जाना हमें कहीं ना कहीं बहुत नुकसानदेह है, हमारी पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और ऐसी चीज़ें थीं जो हमेशा वो कहा करते थे, जो आगे ट्रांसफ़र करने के लिए कहा करते थे, जो चीज़ें सीखी हैं यकीनन हम आगे उसको पूरी तरीके से आगे बढ़ाएंगे और कोशिश है, उम्मीद है इंशाल्लाह जो आने वाली नस्ल है वो हमेशा याद रखेगी बर्क साहब की कुर्बानियों को, उनकी आजीज़ी को और उनके जो किरदार था उसको इंशाल्लाह हमेशा याद रखेगी। आप किस तरीके से देखते हैं संभल की राजनीति को? संभल में एक जो मुखर होकर आवाज़ उठाते थे, अपनी कौम की, अपनी मिल्लत की आवाज़ उठाते थे, उस तरीके से आप कौन सा ऐसा नेता है जो पार्लियामेंट में जाकर इस तरीके की आवाज़ उठाए? देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ का कुछ ना कुछ नेमुल बदल रखा है, लेकिन मेरे नज़दीक बर्क साहब की कमी ता कयामत तक कोई पूरी नहीं कर सकता। जिस तरह से उन्होंने कौम के लिए खिदमत की, हमेशा हर वक्त हर पहलू पर हर मौजू पर तैयार रहे, कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वे सिर्फ एक ही तबके के लीडर हैं, कुछ कोई भी गया, हालांकि मैं अपने पर्सनली भी कामों से गया, हमेशा उन्होंने सपोर्ट दी, सहारा दिया। शहर की फिज़ा बता देगी, गलियाँ बता रही क्या चला गया शहर से, बिल्कुल सुनसान सन्नाटा, कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ मेरी अभी तक की उम्र में कि इतना सन्नाटा कभी शहर में, सारी चीज़ें सब कुछ आंखों के सामने है। और बर्क साहब का सिर्फ शहर में ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, सब जगह बिल्कुल ऐसा है, सन्नाटा पसरा हुआ है, सब बिल्कुल एक तरीके से गमगीन हैं लोग उनके जाने से। तो क्या कहेंगे, पॉलिटिकल को हटकर अगर बात करें तो आप कई मर्तबा डॉक्टर साहब के पास गए थे, तो किस तरीके का रवैया रहता था? जैसे अभी मैंने लोगों से बात की, उन्होंने कहा है कि हम सुबह के 6 बजे जाएं या रात के 12 बजे जाएं, डॉक्टर साहब सो भी रहे होते हैं तो हम वहाँ बैठ के इंतज़ार करते थे और फिर उनसे मुलाकात कर लिया करते थे। कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि किसी के पास सिफारिश लेकर या पर्सनली काम के लिए ऐसे कोई जाते हैं कहीं पर, जैसे अदर एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में। बर्क साहब के पास जब भी जाना हुआ बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ जैसे अपने ही घर में जाकर अपने किसी बड़े से अपनी बात रखी और उसकी तसल्ली भी दी, हल भी निकाला हाथों हाथ, जिस जरिए से भी, जिस मसले पर भी गए हम उनके पास, उन्होंने हाथों हाथ उसका उसी वक्त सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की और निकाला भी सॉल्यूशन। अल्लाह ने भरपूर इज्जत दी उन्होंने ज़िंदगी में, और आप सब देख रहे हैं जानने के बाद भी मौत तो फानी, कहाँ कहाँ से लोग नहीं आ रहे हैं, ये सब उनकी पहचान थी, शख्सियत थी। चलिए, तो ये पहचान डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की है और उनके काम की है, जिस तरीके से वो बोलते हैं और लोगों की खिदमत के लिए दिन रात लगे रहते हैं। तमाम लोग सोशल मीडिया पर और तमाम दुआएं कर रहे हैं कि मगफरत फरमाए अल्लाह ताला उनकी, जन्नत नसीब करे। बहुत अच्छा, क्या बहुत दुख है हर पब्लिक ऐसा। जी सर, कहाँ से हैं आप? संभल से ही। संभल से ही। आप कैसे देखते हैं डॉक्टर बर्क 94 साल की उम्र में अब भी संसद के अंदर जाकर बेबाकी से अपनी बात रखते थे, संभल की बात रखते थे,
अब कौन सा ऐसा आपका कायद होगा जो पार्लियामेंट में जाकर संभल की जनता की आवाज़ उठाएगा? डॉक्टर बर्क के जाने से पूरे शहर को दुख है और हम उनको देख देख कर बड़े हुए हैं, हम उनके शागिर्द हैं। इंशाल्लाह पूरा संभल डॉक्टर बर्क के असरात से हर बंदे के अंदर डॉक्टर बर्क देखेंगे आप आगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। तो लोग गमगीन हैं यहाँ पर डॉक्टर बर्क के इंतकाल की वजह से, या लोगों का कहना है कि हम हर एक बंदे के अंदर डॉक्टर बर्क को देखेंगे। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में आपकी क्या कुछ राय है आप अपनी कीमती राय में ज़रूर दीजिए। अल्फराज शेख की रिपोर्ट, देखते रहिए मीडिया वॉइस पर। बेहद शुक्रिया।